ये देखो भटक गई है। आजा आजा इधर से निकलो, इधर से। ये देखो भटक गई है। अरे भाई वो देखो आस की चल रही है। तो गाइस देखो आस की चल रही है आस की। वाले भाई कुछ नहीं, हमको पता कैमरा लेके दे दिए, हमने जो चीज बोली हमें वो लेके दे दिए। मेरे बाप कहते हैं हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ चश्मा पहन के। अभी सोकर उठा हूँ आधे घंटा पहले, तो अभी नहाया नहीं हूँ। फिलहाल कपड़े पहन के निकल रहा हूँ मुंसीपुलिया, कुछ काम था इसलिए जा रहा हूँ। बाकी आप लोग ब्लॉग पे बने रहो। मम्मी वहाँ पे देखो, मम्मी खाना बना रही है। और गाइज आज मैं ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी सुबह का 10 बजे रहा है, मैं 10 बजने वाला है। तो आदित्य भाई का फोन आया है वो कुछ शूटिंग के लिए, फिर मैं तैयार हो गया। बाकी मैं उधर से आऊंगा, फिर 1-2 घंटे का काम है, उसके बाद आऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा बढ़िया से। तो गाइस आप लोग ब्लॉग पे बने रहो, जो भी कुछ होता है आप सभी को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मुंसीपुलिया, एक पार्क का हो या जंगल का हो, वहाँ पे आप लोग को लोकेशन दिखाऊंगा कैसा वहाँ का लोकेशन है। चलो फिर अभी हम चल रहे हैं, निकालूंगा बाइक, ये रहा बाइक, इसी बाइक से जाऊंगा मैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लोकेशन पे और आप सभी को मैं लोकेशन दिखाता हूँ, यहाँ का लोकेशन कैसा है। ये देखो खोपिया, भूतिया भूतिया लोकेशन। एक्चुअली गाइज ये वन विभाग का है, बाकी यहाँ का लोकेशन बहुत परफेक्ट है। यहाँ पे हम एक शूट करेंगे वीडियो। ये देखो लोकेशन मस्त है ना। तो गाइज मैं एकदम टाइम का पक्का हूँ, सबसे पहले मैं आया हूँ, बाकी भाई लोग आ रहे हैं। मतलब गाइज अगर कोई बोलता है कि भाई 10:30 बजे आना है यहाँ पे, मैं टाइम से पहले आ जाऊँ सबसे पहले, ये मेरे अंदर खास बात है। बाकी भाई लोग आ रहे हैं, उन लोग से मिलाता हूँ आप सभी को। गाइज यहाँ पे कोई शॉर्ट मूवी बनाओ भूतिया वाला, बहुत तगड़ा लगेगा, क्योंकि जंगल चारों तरफ जंगल जंगल। मतलब ये लोकेशन जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था बहुत शानदार लगा था, तो हम सोचे चलो ठीक है कोई वीडियो यहाँ पे शूट करूँगा मैं। यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है चराने वाला। ये देखो भटक गई है। आजा आजा इधर से निकलो, इधर से, इधर से, इधर से, आजा आजा इधर से निकलो, इधर से निकलो, आजा 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 आजा। गाय होती तो बुलाने पे आ जाती, लेकिन ये भैंस है। वैसे रास्ता इधर से है, ये आगे से उधर से निकलने का रास्ता है। तो फाइनली गाइस मैं निकाल चुका हूँ, मतलब बहुत बुलाने पर उधर से ऐसे 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 यहाँ से निकली, फिर इतना खुश होकर भाग रही है। वाह, भाई लोग आ चुके हैं, शायद कुछ खाने पीने के लिए लेके आए हैं। ये देखो भाई लोग, भाई मैं टाइम में कितना पक्का हूँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हो भाई, टाइम का बहुत पक्का है। ये लेट लेने गए, यही मैं तारीफ सुनना चाह रहा था भाई, टाइम का बहुत पक्का है। लेकिन हम भी सोचते हैं कि हमारा आर्टिस्ट जो है भूखा होगा तो कुछ उसके लिए खाने की व्यवस्था करा दी। ओहो नहीं चलो गाइस फिर यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ शॉर्ट वीडियो मतलब शूट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद मेन मतलब लॉन्ग वीडियो के लिए स्टोरी भी डिस्कस करनी है, फिर शूटिंग करेंगे। लोकेशन आप लोगों को दिखाई दिया हूँ, ये लोकेशन क्या लाए भाई आप। हम भी यार अभी नहाए धोए नहीं, ऐसे ही आ गए हैं, बस चाय पिए फिर आ गए हैं। चलो बढ़िया कि आप नाश्ता ला दिए, तो यहाँ पे गाइस नाश्ता करते हैं, उसके बाद शॉर्ट वीडियो अपना स्टार्ट करेंगे। भाई बजट तो बहुत हाई है आपका सिर्फ 12 रुपए का बहुत बढ़िया 12 ना 12 हाँ, मेरे मुझे 12 निकल गया ना 12। अस्मिता की बातें नहीं होगी, ब्रा नहीं 12 रुपए का बजट है, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, जरा दिखाइए अपना फेस। भाई आप क्या बनाएंगे इसमें, चोर? मामू की लाश से ही चोर लग रहा है। चलो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं सस्ता थॉमस शेल्बी कैब अभी मंगाई है, आ रही है, आ जाएगी, देखो हेलीकॉप्टर पे आ रही है। हेलीकॉप्टर कहाँ उतरी है, लैंड यही होंगी। फाइनली गाइस एक वीडियो शूट हो गया है, अब सेकंड वीडियो की तैयारी हो रही है। सेकंड वीडियो क्या है भाई, बता देंगे तो रिवील नहीं हो जाएगा। ना, नहीं नाम बता दिए बस। रणवीर सिंह का चोला पहन के ढोला निकले हम खिलाते हुए डोला डोला क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं क्या आप? नो कमेंट्स प्लीज। आप क्या बनेंगे, रणवीर सिंह आप बन रहे हैं? कौन क्या बन रहा है भाई, वो जब फोन में पूछेगा तब बताएंगे ना, आपके कहने पर थोड़ी ना बताएंगे। ये सही था न्यूज वाला
हमको पता कैमरा लेके दे दिए, हमने जो चीज बोली हमें वो लेके दे दिए। मेरे बाप कहते हैं तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं, तुम ये काम करो और नौकरी हम बैठे हैं, तुम्हें जो करना है वो करो लेकिन करो, लेकिन 10 बजे घर पे आ जाओ। ये तो बात है, चाहे दिन भर कहीं भी हो। तो आप स्टोरी बताइए। देखो अपनी स्टोरी कुछ सस्पेंस से स्टार्ट होगी, ठीक है। वहां पे नदी है, नदी बहुत सुंदर है, उस नदी के ऊपर से एक पेड़ ऐसे लहराता हुआ आया है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे डाउन टू हेल की नदी यदि नहीं है वैसे बीच में ये नदी है, समझो ये नदी है, ठीक है। यहाँ इधर पेड़ लगे हुए हैं, कैमरा इधर से लगेगा, ये नदी से यहाँ पे एक लड़का होगा लाइक बाथरूम करने आएगा नदी के पास, पैक वैक लिए कुछ भी लहराते झूमते हुए आएगा। तो गाइस भाई ने स्टोरी बता दिया और बाकी हम लोग वीडियो वगैरह शॉर्ट वीडियो जो बनाना था बना दिया, अब निकल रहे घर पे पैक अप। सर्कल से पूरा चोर कपड़े चेंज हो गए हैं। चोरों का लीडर तू, चोरों का सरदार मैं, चोरों का लीडर, हालांकि तू तो मैं लीडर ही, तू तो लेवर ही है ना। चलो फिर गाइस अब यहाँ पे थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, निकले हैं घर पे। तो फाइनली गाइस हम घर पे आ चुके हैं और अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ, अब नहाने के बाद खाना खाऊंगा। ये हमारी माई दादी है, माई बोलता हूँ, और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, नहाने के बाद आप सभी से मिलूंगा। चलो फिर, हाँ मम्मी और बताओ। एक बात और है, मतलब मम्मी भले कितने भी गुस्सा रहे लेकिन एक बार कैमरा दिखा दो मुस्कुरा देती है, ये तो कला है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सो उठ रहा हूँ। गाइस फाइनली हमने नहा लिया और नहाने के बाद कुछ कपड़े हैं तो डालना है। तो गाइस नहाने का इतना रिलैक्स कर लेता है, 3:30 बज गया, अभी तक मैंने खाना तक नहीं खाया है। फिलहाल ओ सेट, एक कपड़ा गिर गया ब्लॉक के चक्कर में, एक मिनट कपड़े डाल लो उसके बाद बात करता हूँ। तो गाइस कपड़े डाल दिए हम, अब बहुत ही भूख लगी है, अब खाना खाऊंगा। तो भाई वो देखो आंस की चल रही है। तो गाइस देखो ये देखो मेरे घर के पास, ये देखो स्कूल से लड़की आंस की चल रही है, आंस की आज रोज डे है, तो मतलब कॉलेज से कोई लड़की है और मेरे घर के जस्ट मतलब तो आपको दिखाया हूँ ना अपनी दूरी पर, अब लेके आया है, इधर बैठा हुआ है। चलो ठीक है, बाकी मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने के बाद आप सभी से मिलता हूँ। कल तो भूख लग गई बहुत तेज, मम्मी गैस जला रही है, शायद घर में रोटी बनाएंगे, खाना निकाल रही है मेरी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। मम्मी मम्मी कह रही है मतलब बाकार है। मम्मी कैमरा ऑन है, खाना निकाल दिए मेरे लिए, तभी लोग बोलेंगे ना कि बेटे से बहुत प्यार करती हो। हमारे बुआ के देवर की शादी है, वहाँ जाऊंगा, 4 दिन रहूंगा, ब्लॉग करूंगा कंटिन्यू, मतलब कि हमको लगता है कि इस महीने में ब्लॉग हम 12-13 ब्लॉग में डाल दूंगा, क्योंकि मैं मौका खोजता हूँ कि कहीं जाऊँ आऊँ, मतलब कि एक पता होता नहीं घर का ब्लॉग देख के थोड़ा सा बोर हो जाता है, इसलिए कहीं नया नया जगह जाओ तो ब्लॉग करो अच्छा लगता है। तो फिलहाल और इसके पहले 14 तारीख को एक जगह और जाने का प्लान है, तो अब वहाँ वो भी कंफर्म नहीं है, बाकी ये तो कंफर्म है, टिकट बिकट गया है। चलो फिर वीडियो गाइज यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता नहीं ब्लॉग के साथ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। चलो फिर गाइज वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता नहीं ब्लॉग के साथ, अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं ब्लॉग के साथ।